की पाठशाला। अरे वाह, देखो यहाँ कितने सारे रंगों और आकारों वाली कैंडीज हैं। यम्मी। हाय दोस्तों, मैं हूँ एनी और आज हम खेलेंगे कैंडी मेनिया। हमें तीन एक जैसे रंगों और आकारों वाली कैंडीज को मिलाना है इस तरह। ये है हीरे का आकार जिसका रंग है बैंगनी। मजा आया। देखिए अब हम कौन से रंग और आकार मिला सकते हैं। हाँ चलो इन्हें मिलाते हैं। तो दोस्तों ये है एक गोल आकार और इसका रंग है पीला। हमने फिर कर दिखाया। चलो देखते हैं क्या हम और रंग और आकार ढूंढ पाते हैं। क्यों ना हम इन्हें मिलाएं? अरे वाह, ये आया एक त्रिकोण जिसका रंग है लाल। वाह, चलो देखिए यहाँ और कौन से आकार और रंग है। मिल गया। ये खेल तो सचमुच बहुत मजेदार है। हमें मिला एक चौकोर जिसका रंग है हरा। आज हमने सीखा रंगों और आकारों के बारे में, जैसे बैंगनी हीरे का आकार, पीला गोलाकार, लाल त्रिकोण और हरा चौकोर। उम्मीद है आपको भी हमारे साथ खेलने और सीखने में मजा आया होगा। बाय बाय। आज हम करने वाले हैं अंडों पर पेंट। देखो वो रहे अंडे। इस टोकरी में रखे हैं अंडे। मैंगो इन अंडों को देखकर कितना खुश हो रहा है। हम इनका क्या करेंगे? ये टूट जाएंगे मैंगो, इन्हें नीचे रख दो। ये अंडे खेलने के लिए नहीं है, तो हम इनका क्या करेंगे? हाँ मैंगो, हम इन्हें प्यारे प्यारे रंगों से रंगेंगे। पहले लेते हैं पीला रंग और इस अंडे को रंग देंगे पीले रंग में। पीला अंडा। अब लेंगे लाल रंग और इस अंडे को रंग देंगे लाल रंग में। लाल अंडा। तुम भी एक अंडे को बैंगनी रंग से रंग सकते हो मैंगो। ओहो मैंगो, ये बैंगनी रंग नहीं है, ये तो हरा रंग है। हाँ बिल्कुल सही, मैंगो ने अब सही रंग चुना। ये है बैंगनी रंग। चलो अब इन्हें थोड़ा सा सजाते हैं। मैं लूंगी गुलाबी रंग और इस पीले अंडे पर मैं सुंदर सुंदर सितारे बनाऊंगी। गुलाबी सितारे। और अब बेन ने लिया है नारंगी रंग और नारंगी रंग से वो लाल अंडे पर बना रहा है गोल गोल आकार। नारंगी रंग से गोल गोल आकार। मैंगो तुम भी एक रंग चुनो। चलो चलो। वाह, ये नीली धारियाँ तो बहुत सुंदर लग रही है। नीली धारियाँ, बहुत बढ़िया। ये अंडे कितने सुंदर लग रहे हैं ना? तो आज हमने रंगे ये प्यारे से अंडे बहुत सारे रंगों से, जैसे बैंगनी और नीला, पीला और गुलाबी, लाल और नारंगी। रंग भरना बहुत ही मजेदार है ना? अरे इतनी बड़ी लॉलीपॉप, ये यहाँ कैसे आई? चलो मैंगो इसमें रंग भरते हैं। आओ ढूंढे गुलाबी रंग। क्या ये गुलाबी है? नहीं। इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं ये भी नहीं है। अच्छा तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ सही कहा, तुमने गुलाबी रंग ढूंढ लिया। बहुत अच्छे। वाह ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। चलो पीला रंग ढूंढे। सोचो सोचो। नहीं ये नहीं है। नहीं नहीं ये भी नहीं है। क्या ये है? हाँ ये पीला रंग है। वाह तुमने ढूंढ लिया। चलो इसमें पीला रंग भरे। वाह ये लॉलीपॉप कितनी सुंदर लग रही है। चलो ढूंढे लाल रंग। क्या ये लाल रंग है? हाँ तुमने लाल रंग भी पहचान लिया। बहुत अच्छे। ओह
जवाब। चलो हरा रंग ढूंढे। क्या ये हरा है? नहीं, ये हरा नहीं है। क्या ये हरा है? नहीं, ये तो पीला रंग है। क्या ये हरा है? हाँ, ये हरा रंग है। बहुत अच्छे, वाह, बिल्कुल सही। चलो नारंगी रंग ढूंढते हैं। क्या ये नारंगी है? नहीं, ये गुलाबी है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये है नारंगी रंग। क्या बात है, वाह। चलो ढूंढे नीला रंग। देखो क्या ये नीला है? हाँ, ये नीला है। तुमने सब रंग सही पहचाने हैं। वाह मैंगो, तुमने सारे रंग ढूंढ लिए और लॉलीपॉप में कितने अच्छे रंग भर दिए। अरे मेरे लिए रुको। ओह हाय मैंगो, कैसे हो तुम? क्या ये सब फल है? ओह देखो यहाँ रंग भी है। ओह ये क्या है? पीला रंग। मैंगो तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? भूरी डंडी और हरी पत्ती। ये है एक मैंगो यानी आम। अरे ये तो तुम्हारा नाम है। पीला रंग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मैंगो, अब कौन सा फल आने वाला है? चलो देखते हैं। वाह ये क्या है मैंगो? बताओ। ये लाल रंग का है और चमकदार भी। इसकी डंडी भूरी है और पत्तियां हरी। ओ मैं समझ गई, ये फल मुझे बहुत पसंद है। ये है एक सेब। ये मुझे सेब बहुत पसंद है। लाल लाल सेब। अब अगला फल कौन सा निकाले मैंगो? सोचो। वाह ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। ओह ये फल काफी बड़ा है, इसमें भरेंगे हरा रंग। मैं सोच रही हूँ ये कौन सा फल है मैंगो? इस पर थोड़े हल्के हरे रंग की धारियाँ भी हैं। बहुत खूब मैंगो, अच्छा लग रहा है ना? ये देखने में तो बहुत रस भरा लग रहा है, मजेदार। क्या तुम्हें समझ आया ये कौन सा फल है? ये है एक, हाँ ये है एक तरबूज और ये अंदर से लाल होता है। वाह और मुझे हरा रंग बहुत पसंद है। अच्छा बताओ क्या तुम्हें भी पसंद है? ओह चलो देखते हैं अब कौन सा फल बाहर आता है। ये देखने में तो एकदम गोल है और इसका रंग नारंगी है। ओह मैं समझ गई ये क्या है, और इसमें भूरी डंडी भी है और पत्ती तो हरी ही होती है। इस फल में थोड़ी खटास भी होती है। ये है एक संतरा। सही पहचाना तुमने। वाह शाबाश। वाह अब हमारे पास है आखिरी और खास फल। ये है बैंगनी। ओह मेरा पसंदीदा रंग। ये है हरी पत्ती और हरी डंडी वाला। अरे ये तो है एक अंगूरों का गुच्छा। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश, तुमने सब सही पहचाना। मुझे उम्मीद है कि आपको भी फलों में रंग भरने में मजा आया होगा। बाय। अरे ये तो कमीला है और ये है उसकी हैट। हैट में लेटर्स होते हैं HTA, पर ये सही ऑर्डर में नहीं है। सही ऑर्डर है HAT, हैट। और अब ये हैट जाएगी कमीला के सिर पर। अब अगली चीज क्या है? वॉन्ड। वॉन्ड में लेटर्स होते हैं DAWN। चलिए अब इन लेटर्स को सही ऑर्डर में लगाते हैं। WANDD, वॉन्ड।
और वॉन्ड जाएगी कमिला के हाथ में। अब क्या चीज आएगी? ब्रूम। वॉन्ड में लेटर्स होते हैं O R B O M, पर ये सही ऑर्डर में नहीं है। सही ऑर्डर है B R O O M, ब्रूम। ये है सही स्पेलिंग और ब्रूम गया कमिला के पास और कमिला उस पर बैठकर उड़ चली। देखो वो कितनी खुश है। आज हमने सीखी हैट की स्पेलिंग H A T, हैट। और हमने सीखी वॉन्ट की स्पेलिंग W A N D, वॉन्ट। और हमने ब्रूम की भी स्पेलिंग सीखी B R O O M, ब्रूम। बहुत अच्छे, ब्रूम, वॉन्ट, हैट। हाय एनी। ओ, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। देखो कुछ फल, तरबूज, संतरा, कीवी, आम। वाह, मजेदार फल। रुको, ये क्या हो रहा है? तो ये इन फलों के सही रंग नहीं है। मुझे लगता है हमें ही इन्हें सही करना होगा। ये फल कितने अजीब लग रहे हैं। क्या तुम तैयार हो दोस्तों? चलो शुरू करें। लाल। कौन सा फल लाल होता है? हाँ, हमें पता है, ये अंदर से लाल होता है। तरबूज। ये हमने सही पहचाना। अब अगला रंग कौन सा है? नारंगी रंग। चलो देखते हैं क्या ये है। याद आया? ये हाँ, ये है संतरा, जो होता है नारंगी रंग का। अरे रुक क्यों गए? ओह, अब लेते हैं तीसरा रंग, हरा रंग। क्या ये हरा होगा या फिर ये? याद आया, हरा रंग जाएगा यहाँ। ये है कीवी। ये हमने फिर सही पहचाना। ये बहुत ही मजेदार है। चलो आगे बढ़े। पीला। कौन सा फल पीला होगा? क्या ये या फिर ये? ये तो जरूर आम ही होगा। टटरा, आम। आम तो एनी को बहुत पसंद है। यम्मी, तुम इस टोपी में बहुत अच्छी लग रही हो एनी। बाय। मॉन्स्टर मास्क। हेलो हेलो, क्या यहाँ कोई है? वहाँ क्या लिखा है? मेक मॉन्स्टर मास्क। तो चलो बनाते हैं, मजा आएगा। सर्कल यानी गोल आकार। इसमें भरा ग्रीन कलर यानी हरा रंग। अब हम इसमें येलो कलर से थोड़े से डॉट्स बनाएंगे और फिर बनाएंगे आंखें। अब बनाएंगे ब्लैक कलर से इसकी नाक। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ चोट का निशान और आखिर में इसकी आंखों को पूरा बना देंगे। ट्रायंगल यानी त्रिकोण। इसमें भरा पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग। अब इसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे और अब लगा देंगे इसकी आंखें। ये कितनी फनी आंखें हैं। और अब हमने बना दिया इसका मुंह। दोस्तों इसमें मजा आ रहा है ना?
अपना वाला बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब इसमें येलो कलर भरेंगे। येलो कलर यानी पीला रंग। ऊपर बनाएंगे पहले बाल। अब बनाएंगे इसका मुंह और यहाँ लगा दी इसकी आंखें और ये बन गया। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों मॉन्स्टर्स ने तो हमें डरा ही दिया था। बाय बाय। ये बहुत ही मजेदार था। आज हमने सीखा शेप्स के बारे में। सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ये आपने कर दिखाया। हेलो मैंगो। अरे ये क्या है, आइसक्रीम? ओह देखो, इसकी दो आंखें हैं, एक जीभ, मूछे और दो छोटे छोटे कान भी हैं। ये किस जानवर का चेहरा है? सही पहचाना, ये एक बिल्ली है। तुम कहाँ जा रहे हो मैंगो? ओह एक और है। ओह ये किसका चेहरा है? इसके गोल गोल कान हैं। सुनो मैंगो, ये कुछ कुछ तुम्हारे जैसा दिख रहा है। कहीं ये बंदर। हाँ ये एक बंदर ही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैंगो। क्या हम एक और चेहरा देखने जा रहे हैं? ओह काला और सफेद, इसकी आंखों के चारों ओर काले धब्बे हैं। ये कौन सा जानवर हो सकता है? हाँ मुझे पता है, ये एक पांडा है। ये आओ देखें आगे क्या है। ओह ये तो नारंगी रंग का है, बड़ी बड़ी मूछे, काली धारियां। ये कौन हो सकता है मैंगो? हाँ ये एक शेर है। बहुत अच्छे, ये तो मजेदार है। ये वाला भूरे रंग का है। ओह मुझे पता है ये कौन सा जानवर है। हाँ ये एक भालू है। जानवरों का चेहरा पहचानने में मजा आया ना मैंगो? बाय। हेलो मैंगो, जरा ध्यान से चलो। ओह कोई बात नहीं। अरे मैंगो ये तुम कहाँ आ गए? ओह ये एक फैक्ट्री लग रही है जहाँ कुछ बन रहा है। ये क्या है? जरा संभल कर, वहीं रुक जाओ मैंगो, यहाँ तो कुछ अजीब ही काम हो रहा है। ओह वाह देखो मैंगो, ये आया पेंट। अरे वाह तुम्हें पता है ये कौन सा रंग है? पीला। हाँ बिल्कुल सही, पर क्या तुम जानते हो ये क्या है? ओ मैंगो जरा संभल कर आगे देखो। ओ बतख। हाँ ये एक बतख है। बहुत अच्छे, कुछ और भी आ रहा है मैंगो, आओ देखें चलो। ओ बहुत अच्छे, मैं जानना चाहती हूँ कि इससे क्या बनने वाला है। तुम्हें क्या लगता है मैंगो? आओ चलो देखते हैं। ओह मैं समझ गई ये क्या है, अब पेंट करेंगे। तुम्हें पता है ये कौन सा रंग है? हरा। बिल्कुल सही, ये हरा रंग है। ये खिलौना देखने में किसके जैसा है मैंगो? ओह चलो जल्दी करो, इस रस्सी पर चढ़ जाओ। मेंढक। हाँ सही पहचाना, ये है मेंढक। मेंढक हरे होते हैं। ओह तुम क्या अगले खिलौने का इंतजार कर रहे हो? ओह तुम्हें ये देखने में बहुत मजा आ रहा है ना मैंगो? जरा संभल कर। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, मुझे जानना है अब कौन सा खिलौना बनेगा। तुम्हें भी जानना है ना? इसमें कौन सा रंग भर रहे हैं? ये तो बहुत ही सुंदर रंग है, नारंगी। हाँ ये है नारंगी रंग। ओह मैंगो तुमने तो ये खिलौना अपने हाथों में उठा लिया, लगता है तुम्हें ये बहुत अच्छा लगा। पर ये क्या है? मछली। बिल्कुल सही, ये है एक मछली।
तो अब तुम्हारे पास पूल में 3 खिलौने हैं। ये सभी खिलौने कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा फिर मिलेंगे, बाय। हाय मैंगो, कैसे हो तुम? ओह वो क्या है? पीली गेंदे। क्या तुम गेंदों वाले पूल में हो मैंगो? देखने में तो मजेदार लग रहा है। क्या रंग है इनका? नारंगी? नहीं। हरा? नहीं, पीला। हाँ तुमने सही पहचाना, बहुत अच्छे। ओ देखो गेंदे बाहर आ रही है मैंगो। अरे तुम तो खुशी से नाचने ही लग गए मैंगो। ये तो बहुत ही मजेदार है। अच्छा कौन कौन सी चीजें पीली होती है? नींबू और केले। ये कौन सा रंग है? देखो और आ रही है, ये। इन गेंदों को तुम्हारे ऊपर गिरते देख बहुत मजा आ रहा है। पर ये पीला रंग नहीं है क्योंकि हमने इससे पहले ही पीला रंग देखा है। ये थोड़ा गहरा रंग है ना? ये कौन सा रंग है? लाल। सही पहचाना, शाबाश, बहुत अच्छे। अब ये बाहर आ रही हैं। अच्छा क्या तुम बता सकते हो और क्या क्या लाल होता है? स्ट्रॉबेरी लाल होती है। देखो इस पूल के बीच की रिंग भी लाल है और देखो वो ऊपर वाला पाइप भी लाल है। ओह ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम फिर आ गए और गेंदे देखने के लिए मैंगो। तुम्हें भी यहाँ बहुत मजा आ रहा है ना? इन गेंदों का क्या रंग है? क्या ये हरी हैं? नहीं ये इस हरी घास की तरह तो नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ ऐसी है जैसे आसमान का रंग होता है। ये है फिरोजी रंग। ये कुछ कुछ नीले रंग जैसा है। बहुत अच्छे, तुमने रंग पहचान लिया। और कौन कौन सी चीजें फिरोजी रंग की होती है? हाँ समुद्र हो सकता है इस रंग का, या शायद मैंगो की आंखों का रंग। ओ फिर से तैयार हो जाओ मैंगो, तुम्हें इस खेल में बहुत मजा आ रहा है ना? इनका रंग ना तो पीला है ना लाल और ना ही आसमानी। तो फिर कौन सा रंग है ये? ये रंग तो पतझड़ के मौसम में पत्तों का होता है। नारंगी। बिल्कुल सही कहा। जब पतझड़ में पत्तियों का रंग नारंगी और सुनहरा होता है तो मुझे वो बहुत सुंदर लगते हैं। और तुम्हें? ये है, ये तो बहुत ही मजेदार लग रहा है। बहुत अच्छे, तुम सारे रंग सही पहचान रहे हो। और क्या क्या नारंगी होता है? मुझे पता है, संतरे। बिल्कुल। ओह ये तो बहुत ही अच्छा चमकीला सा रंग है। पर ये रंग कौन सा है? मैंगो क्या तुम पूरा दिन इसी टब में बैठे रहोगे? लगता है तुम्हें यहाँ कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। ये सही कहा, ये है चमकीला गुलाबी रंग। ये बहुत बढ़िया, शानदार। मैंगो थोड़ा नाच कर तो दिखाओ। तुम बहुत खुश लग रहे हो। वाह ये तो कमाल का है। ओह ये गेंदे तो बहुत ही दिलचस्प हैं। मुझे इसमें एक से ज्यादा रंग दिख रहे हैं, तुम्हें भी ऐसा लगता है? ये गेंदे तो बहुत ही रंग बिरंगी हैं। इन गेंदों का रंग इंद्रधनुष की तरह है। हाँ ये इंद्रधनुष के ही रंग की गेंदे हैं। ये तो कमाल ही हो गया, क्योंकि इन्हें एक बार देखकर पहचानना तो मुश्किल था। ये लगता है आज तुम यहाँ से घर नहीं जाने वाले, पर मुझे तो जाना है। फिर मिलेंगे मैंगो। 3 अंडे, इनके अंदर क्या होगा दोस्तों? इसमें है मैंगो, बेन और एनी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर,
और नीचे ऊपर और अब टनल के बीच से और एक और टनल ऊपर और नीचे। क्या तुम्हें याद है इसके अंदर कौन था? सही पहचाना, इसमें बेन है। देखो ये अंडा खुलने वाला है। इसका रंग क्या है, क्या तुम बता सकते हो? पीला। हाँ सही कहा। अब अगला अंडा, क्या तुम्हें याद है इसमें कौन था? हाँ इसमें मैंगो था। इस अंडे का क्या रंग है? हरा। बिल्कुल सही कहा। अब बारी है आखिरी अंडे की, बताओ इस अंडे के अंदर कौन था? हाँ इसमें एनी थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस अंडे का क्या रंग है? गुलाबी। हाँ सही पहचाना। हाय मैंगो, क्या ये तुम्हारे हाथ में नंबर्स हैं? अच्छा तो आज हम पजल से नंबर्स सीखेंगे, चलो गिनते हैं। नंबर एक। वाह बढ़िया फिट हुआ है। नंबर दो। हाँ ये भी हो गया फिट। तीन। इसके बाद क्या आता है? सही कहा, ये चार है। बहुत अच्छे। और अब आता है पाँच। क्या बात है, पाँच के बाद क्या आता है? सही पहचाना, ये है छः। ओहो सात। ये तो एनी का पसंदीदा नंबर है। ये देखो सबके आकार कितने अलग हैं। आठ। मैंने आठ स्लाइस वाला पिज्जा खाया था, ये पिज्जा जैसा ही लग रहा है ना? और ये आया नौ। और ये भी हो गया फिट। और एक आखिरी नंबर दस। वाह दोस्तों आपने कर दिखाया, बहुत बढ़िया। मैं हूँ एक वैम्पायर, इसलिए मैं इस किले में रहता हूँ और ये शानदार केप पहनता हूँ। क्या तुम हमें काटोगे? हमारा खून पियोगे? अब हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते, टमाटर के रस से काम चल जाएगा। वाह ये फलों और सब्जियों के रस तो स्वादिष्ट लग रहे हैं। यहाँ चार तरह के रस हैं। मैंगो, क्या तुम ब्लैक के लिए टमाटर का रस पहचान सकते हो? पहचानो पहचानो, देखो देखो। जल्दी करो, समय समाप्त हो रहा है। लाल, टमाटर का रस होता है लाल रंग का। अरे ये चमगादड़ कहाँ चला? एक गाजर मिल जाए तो इस घर को पूरा कर देंगे हम। जरा इन फल और सब्जियों को तो देखो, ये देखने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो बेन कमिला की मदद करते हैं गाजर ढूंढने में। ध्यान रखो समय कम है। नारंगी, आजा बाजा खाजा, जाकर फिट हो जा। हमने पूरा किया इस बहुत ही प्यारी जादुई घर को। हम जाने तो नहीं चाहते कमिला, लेकिन देर हो रही है। जाती जाती इसे अपने साथ यादगार के तौर पर ले जाओ। धन्यवाद कमिला, तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, धन्यवाद। चलो, अरे ये क्या है? जरा सुनो, रुको, रुक जाओ प्लीज। वो, फ्रैंक का सर गायब है। वापस चलो, हम फ्रैंक के सर के बिना दौड़ शुरू नहीं कर सकते। जल्दी चलो, यहाँ तो बहुत सारे सिर हैं। इनमें से फ्रैंक का सिर कौन सा होगा? हमें जल्दी से ढूंढना होगा। मैंगो, क्या तुम फ्रैंक की मदद करोगे सिर ढूंढने में? चलो आगे बढ़ो, सोचो सोचो। जल्दी करो समय कम है। हरा। ओह आप अच्छे लग रहे हो, ये तो बहुत मजेदार है। चलो। आज
आज हमने ब्लैक, कमिला और फ्रैंक की मदद की फलों, सब्जियों और शरीर के अंगों के बारे में सीखने के लिए। एक जानवर है जो रहता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पहाड़ों के निचले जंगलों में। ये एक दिन में 18 किलो खाना खा सकता है। ये अपनी छाती जोर जोर से पीटता है अपने दुश्मनों को डराने के लिए। इसे अकेले रहना पसंद नहीं है, तो इसलिए ये झुंड में रहता है। तो सोचो जरा, क्या नाम है इस जानवर का? ठीक पहचाना, गुरिल्ला यानी वन मानुष। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में। इसके पैर बहुत ही मजबूत होते हैं, जिससे इसे ऊंचा कूदने में मदद मिलती है और इसकी मजबूत पूंछ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसके पेट में एक थैली होती है अपने बच्चे को रखने के लिए। ये तो नन्हा जोई है। कैसे हो जोई? तो बताइए ये कौन सा जानवर है? सही पहचाना, कंगारू। ये रहता है सवाना जंगल में। ये सूंघ कर ही आने वाले खतरे का पता लगा सकता है। ये अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी पर भी हमला कर सकता है। इन्हें कीचड़ में खेलकर खुद को ठंडा रखना बहुत अच्छा लगता है। तो कौन है ये जानवर? देखो देखो, ध्यान से देखो। बिल्कुल सही, गेंडा। आज हमने सीखा गेंडे के बारे में, कंगारू के बारे में और गुरिल्ला यानी वन मानुष के बारे में। उम्मीद है आज आपको मजा आया होगा। ये तो दुनिया का नक्शा है। चलो जाने दुनिया के 7 महाद्वीपों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। मैं सोच रही हूँ यहाँ कौन कौन से जानवर होंगे, चलो पता करें। वाओ, डॉल्फिन, पहाड़ी शेर। पता है ये लगभग 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। और ये है सील्स। क्या आप जानते हैं सील जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं? है ना मजेदार? अब जानेंगे दूसरे महाद्वीप के बारे में। ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका भरा हुआ है वर्षा वनों और अनोखे जानवरों से। ओह, ये तो एंट ईटर्स हैं। ये चींटियों को शौक से खाते हैं। अरे नहीं, क्या ये पिराना है? हाँ, ये वही है। अब जानेंगे तीसरे महाद्वीप के बारे में, जो है यूरोप। आओ देखें यहाँ कौन से जानवर हैं। यहाँ आपको मिलेंगी बहुत सारी भेड़। इनसे मिलते हैं ऊन और पनीर। अब जानेंगे चौथे महाद्वीप के बारे में, जो है अफ्रीका। आओ देखें यहाँ कौन से जानवर हैं। देखो ये गैंडा कैसे भाग रहा है। जानते हैं ये अफ्रीका के सवाना जंगलों में पाए जाते हैं। अरे हाँ, हम यहाँ के गुरिल्ला यानी वनमानुष को कैसे भूल सकते हैं? अब बारी है पांचवे महाद्वीप की और ये है एशिया। और यहाँ कौन से जानवर मिलते हैं? यहाँ होते हैं बड़े और शानदार हाथी। जब ये चलते हैं तो लगता है जमीन हिल गई। ओह, यहाँ जापान में बर्फ में रहने वाले बंदर लड़ रहे हैं। दोस्तों, लड़ना अच्छी बात नहीं होती। और इस पांडा को तो देखिए, कैसे मजे से अपना खाना खा रहा है। बस भी करो, बहुत हो गया। अब चलते हैं छठे महाद्वीप की ओर, जो है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ कौन से जानवर हैं? ऑस्ट्रेलिया मशहूर है कंगारुओं के लिए। ये बहुत ऊंचा कूद सकते हैं। अब बारी है सातवें यानी आखिरी महाद्वीप की, जो है अंटार्कटिका। यहाँ 12 महीने बर्फ रहती है और इस बर्फ में रहते हैं प्यारे से पेंगुइन्स। कैसे हो प्यारे दोस्तों, मजे कर रहे हो? अरे यहाँ तो ध्रुवीय भालू भी है, ये भी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। बाय बाय, मजे करो और खुश रहो। हमने जाना 7 महाद्वीपों के बारे में। दोस्तों, इतना सब कुछ जानकर मजा आया ना? तो आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं डॉल्फिन्स,
सील्स और पहाड़ी शेर। दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं एंटीटर्स और पिरानास। यूरोप में पाई जाती हैं शीप्स यानी भेड़। अफ्रीका में मिलते हैं गैंडे और गुरिल्ला यानी वन मानुष। और एशिया में पाए जाते हैं पांडा, हाथी और बर्फ में रहने वाले बंदर। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं कंगारू। और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं पेंगुइन्स और ध्रुवीय भालू। भागो, बारिश आने वाली है, नहीं तो हम भीग जाएंगे। ओह, खेलने का मन कर रहा है, तो चलो घर के अंदर ही कुछ खेलते हैं। पर हम क्या खेल सकते हैं? चलो कुछ डरावने मॉन्स्टर्स पेंट करते हैं। हो गया। बेन, तुमने पेंट कर लिया क्या? अरे मैंगो, तुमने तो बहुत अच्छे कलर्स किए हैं। बेन ने अपना मॉन्स्टर पूरा कर लिया। मेरा तो हो गया। अरे बेन, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। और मैंगो, वाओ, तुमने तो बहुत ही अच्छे कलर्स किए मैंगो। चलो इन्हें फ्रिज पर लगाएं। लगाओ मैंगो। बेन, तुम भी लगाओ। और अब मेरी बारी। तो हम सबकी पेंटिंग्स अब फ्रिज पर लग चुकी हैं। वाह, क्या बात है, ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना? चलो अब सोने चलें। हमारे पेंट किए हुए मॉन्स्टर्स कितने डरावने हैं ना? चलो अब इन तीनों की नींद उड़ाते हैं। कितने आराम से सो रहे हैं। इन्हें पेंट करने में बहुत मजा आया था। मैंगो, बेड के नीचे कोई डरावने मॉन्स्टर्स नहीं हैं। चलो सो जाओ। तुम मानते क्यों नहीं मैंगो, बेड के नीचे मॉन्स्टर्स नहीं हैं। चलो सो जाओ। ये तो पेंटिंग वाले मॉन्स्टर्स हैं, ये जिंदा हो गए। अब हम क्या करेंगे बेन? वाह बेन, तुमने तो कमाल कर दिया। आज हमने सीखा मॉन्स्टर्स को पेंट करना। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। ओह हाय मैंगो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? क्या वॉक के लिए निकले हो? क्या हुआ, क्या ये तुम्हारा घर है? क्या इसमें कोई कमी है? शेप्स यानी आकार। आज हम आकारों के साथ घर बनाएंगे। सर्कल यानी गोलाकार। पर ये गोलाकार कहाँ जाएगा? ऊपर वाली खिड़की पर। बहुत अच्छे। रेक्टेंगल यानी आयताकार। ये शायद घर के दरवाजे और खिड़कियाँ। ओ, और चिमनी है। स्क्वायर यानी वर्गाकार, ये घर का आकार है। ट्रायंगल यानी त्रिकोण, ये तो घर की छत होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। स्टार यानी सितारा, ये जाएगा घर के ऊपर, जैसे क्रिसमस ट्री पर होता है। वाह, तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा मैंगो। चलो आओ अब रंगों को देखें। नारंगी रंग दरवाजे और खिड़कियों के लिए। लाल, लाल रंग है छत के लिए। पीला, पीली दीवार। नीला, नीली ऊपर वाली गोलाकार खिड़की। गुलाबी, आखिर में एक सुंदर गुलाबी सितारा। बहुत अच्छे, ये घर शानदार लग रहा है ना दोस्तों? फिर मिलेंगे, बाय। ओह हाय मैंगो, तुम इस नाव में कहाँ जा रहे हो? रुको, ये क्या है? ये तो खजाने का नक्शा है। ओ, मुझे खजाना बहुत पसंद है। देखो, तुम्हें खजाने तक पहुंचने के लिए पहले नक्शे तक पहुंचना होगा। बहुत अच्छे मैंगो, तुम खजाने के नक्शे तक पहुंच गए। तो अब तुम्हें खजाने के बक्से तक पहुंचना है। इसके लिए तुम्हें नक्शे के मुताबिक चलना होगा, तभी तुम खजाने तक पहुँच पाओगे। बिल्कुल सही जा रहे हो, बस पहुँचने ही वाले हैं। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा और। देखो तुमने खजाना ढूंढ लिया। बहुत अच्छे मैंगो,
ये है खजाने का बक्सा। वाह, इसमें तो बहुत सारा सोना है। अब हमें इस बक्से को नाव पर ले जाना होगा। और तुमने नाव पर वापस जाने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। शाबाश, बाय। अब तुम्हें अगले एडवेंचर पर मिलेंगे मैंगो। क्यों दोस्तों, खजाना ढूंढने में आपको भी मजा आया ना? बाय। हाय मैंगो, कैसे हो तुम? आज हम क्या करने वाले हैं? ओह, ये तो एक ब्लैक बोर्ड है। क्या कोई बता सकता है आज मैंगो हमें क्या सिखाने वाला है? ओह, ये तो एक आकार है। क्या तुम बता सकते हो ये क्या है? क्या किसी ने पहचाना इसे? कोशिश करके देखो। हाँ, सही पहचाना, ये एक आयताकार है। बहुत अच्छे। ओह, तुम इसमें कौन सा रंग भर रहे हो मैंगो? ये कौन सा रंग है, कोई बता सकता है? ये बहुत ही खिला हुआ और सुंदर रंग है। सही कहा, ये गुलाबी रंग है, बिल्कुल इन लॉलीपॉप्स की तरह। मैंगो, अब तुम क्या ड्राइंग बना रहे हो? ओह, ये तो एक और आकार है। मैं सोच रही हूँ ये कौन सा आकार है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। बिल्कुल सही कहा, ये एक सर्कल यानी गोलाकार है। ओह, और ये है एक प्यारा सा हल्का रंग। क्या मैंगो तुम बता सकते हो ये कौन सा रंग है? बिल्कुल सही पहचाना, ये है पीला रंग, बिल्कुल सूरज की तरह। वाह। अब इसके बाद तुम कौन सा आकार बनाने वाले हो मैंगो? ओह, ये तो बहुत ही मजेदार है। इसके चारों किनारे एक समान है। पहचानो ये कौन सा आकार है? सही पहचाना, ये एक स्क्वायर यानी वर्गाकार है। बहुत ही बढ़िया, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये कौन सा रंग है? क्या ये गुलाबी रंग है? नहीं, तो ये कौन सा रंग है? हरा रंग। शाबाश, हरा जैसे ब्रोकली। ओह, मुझे ब्रोकली बहुत पसंद है। तुम बहुत खुश लग रहे हो मैंगो, क्या सोच रहे हो? अरे वाह, सुनो मैंगो, हम इन आकारों से एक बस बना सकते हैं। वाह, देखो, गोलाकार पहिए, आयताकार बॉडी और खिड़कियों के लिए वर्गाकार है। बहुत ही अच्छे, शाबाश। बाय बाय मैंगो। आज हमने एनी और बेंट की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।